नमस्कार साथियों, दशहरे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक ऐसा पर्व है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जो हृदय विदारक वीडियो कल हम सब ने देखा, उस वीडियो पर जो चीन ने रिलीज किया है गलवान वैली का, हमारे वीर सैनिकों का, उस वीडियो पर सरकार की चुप्पी पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। उस वीडियो की सत्यता पर सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए। अगर वो वीडियो सत्य है तो ये बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तो है ही, बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए है कि यह फिर वॉर क्राइम की श्रेणी में आएगा। चीन की हिम्मत कैसे हुई तो इस तरह से वॉर क्राइम की गतिविधियों में वो संलिप्त हुआ, और अगर ये वॉर क्राइम की श्रेणी में सरकार इसको मानती है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें शामिल करना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि वॉर क्राइम तो फिर वहीं ले जाना चाहिए, बनता है। गृहमंत्री कल अपनी तारीफ करते हुए सुनाई दिए। ये अक्सर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, पिछले 7 साल इन्होंने इसी ऐसे ही निकाल दिए। एक दूसरे की पीठ थपथपाने की बजाय जवाब दें देश को कि चीन को इन हरकतों की वजह से क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शर्मिंदा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे चीन को शर्मिंदा करने के लिए, चीन को एक्सपोज करने के लिए। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को अरुणाचल जाने से रोकने का प्रयास चीन करता है, उसको आपत्ति होती है, हमारे ही देश में हमारे ही उपराष्ट्रपति जा रहे हों और चीन इस तरह की हिमाकत करे और यहाँ से कोई कड़ा जवाब न जाए। आपने देखा कैसे उत्तराखंड में, जहाँ कभी पहले ऐसा हादसा नहीं हुआ था, 5 किलोमीटर भीतर हमारी सीमा के चीन घुस कर आए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पुलिया तोड़कर वापस चला जाए, कोई जवाब नहीं, शांति चुप्पी। जो 13वां राउंड था कोर कमांडर्स की बैठक का, जिसमें डेपसांग और डीओबी के विषय में चीन कैसे बात करने को भी तैयार नहीं, जो अप्रैल 2020 का यथास्थिति थी, उस यथास्थिति को बहाल करने के लिए जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भी चीन बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहा। तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने से अच्छा यह होगा कि सरकार जवाब दे, क्यों 62.7% ट्रेड व्यापार पिछले 6 महीने में चीन से बढ़ा दिया। आपने तो बड़ी ऊंची-ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में कहा था, हमने ऐप बैन कर दी, चीन को सजा दे दी। आपने एक तरफ तो ऐप बैन की, दूसरी तरफ व्यापार बढ़ा दिया, 62.7% की वृद्धि दुश्मन देश से व्यापार। अभी 2 दिन पहले नोएडा में 600 करोड़ का आप निवेश चीन से मंगवा रहे हैं। नोएडा की जो सिटी बन रही है, DMIC, IIT, GNL के साथ करारनामा चीन कर रहा है। एक तरफ हमारे वीर सैनिकों को जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है चीन को, अब जो जिस तरह से वो गलत आंख से हमारी तरफ देख रहा है, उसका मुकाबला डटकर हमारी सेना कर रही है। दूसरी तरफ हमारी सरकार चीन से व्यापार कर रही है, चीन से निवेश ले रही है और चुप बैठी है। ये लाल आंखें किसके लिए हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसका सीधा सीधा लाभार्थी 2 हैं, बीजिंग और इस्लामाबाद, उस दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं कि हम अपने हितों की, अपनी सुरक्षा की ठीक ढंग से रक्षा कर सकें। ये जो बिजनेस एज यूजुअल की जो तरीका है आपका चीन के प्रति, आखिर इसका कारण क्या है? आप किस दबाव में? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिनका सवाल एक एक देश प्रेमी, एक एक नागरिक जानना चाहता है इस सरकार से, जिसने ऊंची ऊंची बातें की थी 7 साल पहले और जब भी मौका आता है भाषण देने का, सिर्फ भाषण देना जानती है, लेकिन हमारी सीमाओं को, वो सिक्किम हो, वो अरुणाचल प्रदेश हो, वो उत्तराखंड हो, कहीं भी लद्दाख हो, हमारी सीमाओं की रक्षा यह सरकार करने में पूर्णतः विफल रही। आप कहेंगे तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के बोलूं, या आप चाहेंगे सवालों का जवाब शुरू करें, आप पर छोड़ता हूं। क्वेश्चन श्योर जी,
से अलग, पहले अगर कोशिश करिए इस पे, नहीं तो फिर अलग। जी पूछिए सर। अ वेरी बारबारिक एक्ट ऑफ मर्डर हैज हैपेंड एट सिंगल बॉर्डर इन द सीन द विजुअल दैट आर कमिंग थ्रू, व्हाट इज द कांग्रेस पार्टीज रिएक्शन टू दैट? वी सॉ इट ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया डोंट नो द डिटेल्स येट, बट देयर इज नो स्पेस, no place at all whatsoever for violence anywhere in this country. This country is and must be governed by rule of law. It is the government's responsibility to get deep into this, investigate and let the law take its course. Sir, ek bar hindi mein bol dijiye. Social media aur media ke madhyam se ye reports humne dekhi, dil ko dehla dene wali reports hain. Iski zyada details abhi hamare paas nahi hai, lekin हिंसा का स्थान कांग्रेस पार्टी सदैव रूप से, हमारा यही एक स्टैंड रहा है, हिंसा का स्थान इस देश में कतई हो ही नहीं सकता। यह देश कानून के रास्ते पर चलता है, संविधान से चलता है। सरकार को चाहिए कि पूरा इसकी तहकीकात करे और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। जी हाँ पूछिए। सर, चीफ ऑफ स्टेट इन द दशहरा द एनुअल थिंग दैट ही डज, उसमें रेंज ऑफ इश्यूज इन सेज कि तालिबान भले बदल सकता है, पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा। मैं भी तो यू डायरेक्टिव की पाकिस्तान को चेंज नहीं सकता, वी हैव टू बी व्हाट डू रिएक्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई विल नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट ही सेड ऑन दिस। हु इज ही इज अ सेल्फ अपॉइंटेड हेड ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, an organization which gave it in writing to Sardar Patel that it will not indulge into politics. Who is he? How is he any different from the head of Speak Mackay? It's another cultural organization. RSS is a cultural organization by its own admission to Sardar Sahab. As a cultural organization, what right does he have to delve into everything, to play politics from morning to evening, to control this government? It's his government. Why is he addressing the nation? Let him go to the Prime Minister and talk to him on whatever issues he wants to talk. Why should his address be covered live? I don't understand. In that case, you should all promise that Speak Mackay's chairman's address should also be covered live all across the nation. Why are we wasting our time on him? मैं इसका भी उत्तर देता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, गैर पंजीकृत है, उसके एक स्वयंभू सरसंघचालक हैं, उनमें और स्पीक मैके के अध्यक्ष में क्या अंतर है? दोनों एक सांस्कृतिक संगठन है। इन्होंने तो, इनके संगठन ने तो सरदार पटेल को लिख कर दिया था राजनीति नहीं करेंगे, फिर ये क्या राजनीति करते रहते हैं सुबह से शाम तक, और कहते हैं सरकार इनकी है, रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है, और क्यों इनको लाइव कवरेज मिलना चाहिए और स्पीक मैके के चेयरमैन को नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर अंतर क्या है दोनों? पार्टीशन पे इनको अफसोस नहीं, इनको तो ग्लानी होनी चाहिए, बोले ये माफी मांगे देश से कि पार्टीशन करवाई इन्होंने, इधर इन्होंने उधर लीगियों ने, लीगी और संघी मिलकर माफी मांग ले देश से कि उन्होंने पार्टीशन करवाई। ये अफसोस क्या होता है? इनको कहना चाहिए कि मुझे ग्लानी है, आत्मग्लानी है, पश्चाताप है कि ये किया। क्या ये मान लिया जाए कि सिटी बाय सीट का स्वीकार कर लिया गया है, नहीं कर लिया गया है? पार्टी में एक तरीका होता है निर्णय लेने का, हर पार्टी में होता है, हर संगठन में होता है, बैठकें होती रहती हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, चर्चाएं और विचार विमर्श होता रहता है, उस पर निष्कर्ष निकलते हैं, क्या एजेंडा था, क्या निष्कर्ष निकलेंगे, वो सब आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। थैंक यू।